अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान खान ने फिर से एक चाल चली है कि उसने, आप लोगों को पता है हम लोग भी इन्वेस्टर है, मैंने तो इनफैक्ट अपना प्रूफ भी दिखा दिया था एक मर्तबा, तो इसने एक मर्तबा फिर चाल चली है क्योंकि इसकी आज सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है कि इसने आफिया प्लाजा को कैसे ठगा है। उसी के ओनर के लड़के ने आके सब सच्चाई बता दी हम लोगों के सामने। तो आज एक मर्तबा फिर इसने चाल चला कि इसने ये डिक्लेयर किया है अपनी तरफ से कि सऊद पावने और नावेद खान, ये लोगों ने पुणे एसोसिएशन की जानिब से, और मतीउर रहमान को दिल्ली का हेड बनाया है और बाबू साबिर खान को यूपी का हेड बनाया है, और ऐसा एक मैसेज और इसमें हम लोगों के नंबर डाल के इसने सारी जगह पर वायरल कर दिया और लीक कर दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करोगे? आप लोगों को तो पता है कि हम लोग इन्वेस्टर ही है, अब भी आप ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करोगे? ऐसे इंसान तो नहीं बोल सकते इसको, ये तो इब्लीस हो गया। इब्लीस, ऐसे इब्लीस के ऊपर भरोसा करोगे अब भी आप लोग, जिसने मतलब जिसको कुछ पड़ी नहीं आपके पैसों की, ये सिर्फ ये करना चाह रहा है, और जो हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है ये सिर्फ ये करना चाह रहा है कि उनको भी चुप करवा दे कैसे ना कैसे बोलकर। पर सुन ले शैतान, ये हक की लड़ाई है, हक और बातिल की लड़ाई है, इसमें कोई चुप नहीं होगा। हम सब हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। मैं आप लोगों से मुखातिब होकर कह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके इसकी बातों में ना आए। जितने लोगों ने कॉल किया कल से लेकर आज तक, मैं तो कॉल ही नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि इसी की तरफ से लोग, कितने लोग हैं इसकी तरफ से ही, कितने लोग हैं जो खाली कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं, तो इसका वही मकसद था। बहरहाल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे एक बात तो पता चलती है कि ये डर चुका है। ये गुंडा, एमआईएम का गुंडा डर चुका है हम लोगों से और हमारे कामों से। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो हो, आप ऐसे इंसान को और इसकी पार्टी को वोट ना देकर हराएं, और आप ही ना दें, जितने भी लोग हैं आपके आस पड़ोस में, दोस्त यार रिश्तेदार, इन सब तक इस मैसेज को पहुंचा दीजिए कि एमआईएम एक गुंडा पार्टी है, क्योंकि एमआईएम ने ऐसे गुंडे को पाल के रखा है, शहबाज खान जैसे गुंडे को पाल के रखा है। और इनका जो हेड है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पीछे रहकर ये पूरा सरगना चला रहा है। मैंने आप लोगों के सामने पहले भी इसको प्रूफ कर चुका हूँ बहुत मरतबा कि 2012 में FIR की असदुद्दीन ओवैसी ने, 2016 तक वो केस चला, फिर बाद में कोर्ट से क्लीन चिट आई आपा को। क्लीन चिट क्यों आई? वो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इसको कंप्लेंट कर रहा है तो क्लीन चिट कैसे आई रहेगी? क्लीन चिट तभी आई रहेगी जब वो औरत क्लीन चिट है, जब हीरा ग्रुप क्लीन है, जब इनके जेन्युइन बिजनेसेस है। तो जब 2016 में कुछ नहीं मिला तो 2018 में MIM के एक गुंडे पार्टी के, गुंडा नेता भी नहीं है, छोटा सा वहाँ का कार्यकर्ता है ये शहबाज, इसने लोगों को झूठ बोल बोल कर तीन चार दिन में पैसे दिलवा दूंगा, मैंने वो क्लिप भी डाला हूँ आप लोग देख लीजिएगा, तीन चार दिन में पैसे मिलेंगे, ये बोल बोल कर उसने कंप्लेंट करवाया और अपने मुंह से बोला है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अपना चैनल बंद कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए, मेरे चैनल में मैंने अपलोड किया हूँ, उसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, 3-4 दिन में पैसे मिलेंगे, ऐसा बोल के इसने लोगों से कंप्लेंट करवाया। और आज भी ये कहता है कि मैं खाली उन लोगों के पैसे ही दिलवाऊंगा जिन लोगों ने मेरे पास आकर कंप्लेंट की है, तो बाकी 2-2.5 लाख मुसलमान कहाँ गए? समझ नहीं आता, अजीब गुमराही में पड़े हो इन्वेस्टर हो, कंप्लेनर हो, इन्वेस्टर तो नहीं बोल सकता, जितने भी लोगों ने कंप्लेंट किया, खासकर ऐसे इंसान की, ऐसे शख्स की बात में आ रहे हो आप लोग जिसकी कोई औकात नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इसको पतला गू बोलते हैं, और इसके नाम पे 4-5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है इसने ठगा हुआ है, और लोगों को भी पता है, और लोगों सबको पता है पूरे हैदराबाद में इसकी, एक वहाँ पे जो इसने किया है इसको, एक पॉलिटिकल, पहले TD पार्टी में था, वहाँ से इसको लात मार के निकाल दिया गया, तो ये यहाँ पे आ गया, और वहाँ पे रहता था तो असदुद्दीन ओवैसी को गाली देता था, और यहाँ पे आने के बाद अभी वो लोगों को गाली देता है, तो ना ये यहाँ का रहा है ना वहाँ का रहा है, ये तो डूबने वाला है और आप लोगों को भी साथ लेके डूबेगा। जल्द से जल्द अपनी FIR निकाल लो और एसोसिएशन से जुड़ जाओ, जल्द से जल्द अपनी FIR निकाल लो, और किसी को भी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए अगर मैं कॉल ना उठाऊँ, क्योंकि इतने अननोन कॉल्स मैं उठा नहीं सकता रोज़ाना के 150-200 के, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए मेरे नंबर पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, अरे हम खुद इन्वेस्टर हैं, हम क्यों ऐलान करें? आप खुद सोचिए, 10 लाख 12 लाख, मेरे तो 10 लाख रुपये लगे, सऊद पावने के 5.5 लाख रुपये लगे। अजीब आदमी है, हम लोग जो इन्वेस्टर उन्हीं के पीछे लोगों को लगवा रहा है,
जो जब इससे कुछ हो नहीं रहा है करने के लिए, जब मैंने आसिफुद्दीन का वीडियो डाल दिया तो इसकी फट गई। अब फट गई तो कुछ कर नहीं सकता, सच का सामना कर नहीं सकता। कल तो पूरा दिन कुछ बनाया नहीं उसने, ग्रुप में तो चुप था बहुत, कुछ कुछ किया नहीं उसने। तो उसने सोचा चलो अभी ये स्कीम अपनाते, ठीक है वो कुछ नहीं कर सकता है। बस आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से दरख्वास्त से दुआ की, और ख़ासकर दुआ कीजिए हम लोगों के लिए जो फ्रंट में आकर काम कर रहे हैं, बिकॉज़ बहुत सारी बदनज़री हो रही है और लोग गलत सलत मैसेज करते हैं। फिर यहाँ से आप लोगों ने देखा कितने सारे दुश्मन भी बन चुके हैं। तो देख लीजिए भाई, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा इन्वेस्टमेंट दे दो, मेरा इन्वेस्टमेंट इंफ्रादी नहीं कर रहे, सब इज्तिमाई है कि सबके पैसे मिल जाए। तो आप लोगों से सपोर्ट की रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।